नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्साई न्यूज। उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, उपचुनाव आ जाने से कहीं ना कहीं गर्माती हुई नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें, इस बार योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो खतरे में आ गई थी, और खतरे में केवल उन्हीं के पार्टी के नेताओं की वजह से आई, और एनडीए के जो सहयोगी दल है वो भी आंखें दिखाने लग गए। जी हां, आपको बताएं, कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर एक फैसला लेते हैं, जिसके बाद उनकी ही पार्टी के नेता उस बात की किरकिरी करते हुए नजर आते हैं, जिसमें जयंत चौधरी, केसी त्यागी जैसे बड़े नेताओं का नाम है। वहीं देखा जाए तो आरक्षण के मुद्दे पर, जातीय जनगणना के मुद्दे पर, छुआछूत के मुद्दे पर, नौकरियों में नियुक्ति के मुद्दे पर कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आए, और बीच में सोने पर सुहागे वाला काम कर दिया अखिलेश यादव ने। मानसून ऑफर देकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा दिया। जी हां, आपको बता दें, अखिलेश यादव खुले तौर पर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मानसून सत्र चल रहा है, 100 विधायक लाओ, सीएम पद पाओ। इस तरीके का ऑफर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में खलबली का कारण बन गया। योगी आदित्यनाथ को लग गया कि अब केशव प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, अगर पार्टी नहीं छोड़ेंगे तो सीएम पद की डिमांड करेंगे। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने भी माहौल गर्मा दिया। उधर उन्होंने मीटिंग करनी चालू कर दी अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के साथ। ओपी राजभर मिलने आते हैं और संजय निषाद का एक बयान भी वायरल हो जाता है, जिसमें वो खुले तौर पर कहते हैं कि दलितों के सबसे बड़े नेता अगर कोई है तो वह है केशव प्रसाद मौर्य। कहीं ना कहीं ये सब बातें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाती हुई दिखाई देती है, और उसके बाद ये कहीं ना कहीं तय हो जाता है कि अब योगी आदित्यनाथ को अपना सीएम पद छोड़ना पड़ जाएगा। ऐसे में अखिलेश यादव का वो ऑफर और अनुप्रिया पटेल का बार बार सवाल उठाना इस बात की तरफ संकेत करते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल लगातार चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते हुए नजर आई और इस बात का मुद्दा उठा रही थी, जातीय जनगणना और तमाम मुद्दों को उठाकर योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रही थी। पीएम मोदी से मुलाकात करती है, वहां पर भी योगी आदित्यनाथ की चर्चा करती है कि इस बार जो चुनावी समीकरण बनाए गए उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं वो सही नहीं था, और वो समीकरण बनाने वाले कौन थे? योगी आदित्यनाथ। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सवाल जो उठाया उन्होंने पीएम मोदी के सामने, वो भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी एक चाल चल देते हैं और वो अनुप्रिया पटेल की बहन जो है पल्लवी पटेल के साथ 25 मिनट मीटिंग कर लेते हैं, और जिसके बाद पूरा समीकरण बिगड़ जाता है। जी हां, आपको बताया, पल्लवी पटेल से मीटिंग करना कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए फायदेमंद साबित हुआ। अनुप्रिया पटेल की बहन है, एक दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है। वहीं अगर सिराथू सीट की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य को 10,000 वोटों से हराया था। ऐसे में पल्लवी पटेल इस बार अपना जमीन खोजने की तैयारी कर रही थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन उनको वो हासिल नहीं हुआ। 22 प्रत्याशी मैदान में उतारती है लेकिन जीत नहीं दर्ज कर पाती, और उसके बाद ये पूरा समीकरण बदल जाता है। और अगर पूरा माहौल समझा जाए तो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा जाने लगा कि अब पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी में रुख कर सकती है, और फिर अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा? क्या वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लेंगे? वहीं अखिलेश यादव जिस तरीके से खुला ऑफर देते हैं, इस बात की तरफ संकेत भी मिलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में अनुप्रिया पटेल भी जिस तरीके से बगावती सुर अपनाती हुई नजर आती है अपनी पार्टी के खिलाफ, इससे भी एक कहीं ना कहीं आइडिया यही लगाया जा रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। लेकिन अभी तो मामला काफी संभलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य को अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है तो क्या वो फिर से शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव की तरफ? यह बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य सपा पार्टी में शामिल हो सकते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे? आप हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।